स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो रिएक्शंस कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, जो आईआईटी जेई और मेडिकल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो आप 2021 में देने वाले हैं उनके लिए है। और जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं वो तो डेली 12 बजे लाइव आफ्टरनून में होते हैं, वो आएंगे और पढ़ाएंगे, लेकिन छोटा छोटा वीडियो जो है वो जैसे क्रैश कोर्स टाइप हम आपको डालेंगे। लैंग्वेज वगैरह बहुत कम रहेगा, सिर्फ रिएक्शंस रहेंगे, और जहां आपको डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, या कुछ क्वेश्चन हो हार्ड वाला लो वाला वो आप भी मेरे से पूछ लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ आज जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो अल्डोल और कैनिजारो का डिस्कशन करता हूँ। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, देखिए, बस सिर्फ आपको ध्यान से सुनते रहना होगा, 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, धीरे धीरे करके सारा बता दूंगा आपको। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, देखिए अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनना है आपको, लिखना नहीं है यहां पे। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में वैसे अल्डिहाइड और कीटोन को लिया जाता है जिसके पास एटलीस्ट वन अल्फा एच हो, वही अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन वर्ड इसलिए जुड़ा हुआ है या कहीं इसलिए जुड़ा रहता है कि वहां दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, कुछ ना कुछ वहां से एलिमिनेशन निकलते रहता है, रिमूव हो जाता है, इसीलिए उसका नाम कंडेंसेशन पड़ा। और अल्डोल इसलिए पड़ा, अल्डोल का मतलब इसलिए होगा कि यहां पर अल्डिहाइड होगा, मेरी बात को सुनिए बहुत ध्यान से, अल्डिहाइड होगा हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एंड इसमें क्या होगा, अल्कोहल होगा, नहीं यानी पूरा हो गया अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल को हम लोग अल्डोल कहते हैं। इसी में एक और आ जाता है कीटोल, तो कीटोल का क्या मतलब होगा, कीटोन हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं कीटोल। तो जब कीटोन, हाँ लेकिन दोनों वही लेंगे जिसके पास अल्फा एच प्रेजेंट होता है। अल्फा एच तो आपको पता ही होगा कैसा होता है, देख लीजिए, ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको कह देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, और कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाले जो हाइड्रोजन होंगे, जैसे इसके बगल में जो हाइड्रोजन होंगे कार्बन के पास, जैसे ये वाला जो देख रहे हैं आप, यही अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो एटलीस्ट वन होना चाहिए, वन से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वन होना चाहिए, तो तब जाके शो करेगा। लेकिन जरा यहाँ अल्डोल होगा, ठीक है, लेकिन जरा यहाँ देखिए, एच है, सी डबल बॉन्ड ओ है, और ये एच है, क्या यहाँ अल्डोल होगा, नहीं होगा यहाँ अल्डोल, क्योंकि यहाँ कार्बन तो है ही नहीं इसके बगल में, तो यहाँ अल्फा एच इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है यहाँ अल्डोल रिएक्शन नहीं होंगे, ठीक है। अब जरा देख लीजिए, अल्डोल यहाँ नहीं होगा तो जब भी होगा तो हम लोग जो बात करेंगे वो अल्डोल अल्फा एच वाले में, तो कैसे रिएक्शन करेगा जरा देख लीजिए, जरा इरेज कर दो इसको, देखिए अल्फा एच वाले होंगे और मॉलिक्यूल्स दो होंगे, देखिएगा इधर टू मोल्स वैसे लेंगे जिनके पास अल्फा एच प्रेजेंट होता है। अभी जो लिया हमने वो एसिटाल्डिहाइड है इसका नाम, और एसिटाल्डिहाइड का टू मोल्स लिया
और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन के दौरान एसिटल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ से अल्डोल प्रोडक्ट बनता होगा। कैसे, तो मैं आपको अभी फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये हो कैसे जाता है। ठीक है, ये यहाँ आता होगा, ये OH हो जाता होगा, ये H है और फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। ये देखिए एल्डिहाइड पार्ट है, ये मेरा एल्डिहाइड पार्ट है और ये मेरा अल्कोहल है, इसीलिए एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल कहला जाता है अल्डोल, अल्डोल कहला गया। ठीक है, तो जरा देखिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ दो मोल लिया गया है CH3C OH को, इसको लिखते हैं हम, इस CH3 को आप बॉन्ड से भी लिख सकते हैं H को, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और H है। अब जरा सोचिए डाइल्यूट NaOH है, NaOH गिव्स OH माइनस, ये जो आपका डाइल्यूट NaOH है, NaOH गिव्स OH माइनस बेस, और ये बेस जो है इसके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, कैसे आएगा, हाइड्रोजन से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, यानी कार्बन पुल कर लेगा, और ये जब इस पर प्रेशर डालेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, तो OH माइनस जो है इस पर जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये खींचेगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो इन फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है। देख लीजिए, तो CH2 माइनस और ये टूट गया, ये ऐसे क्या टूट गया, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या कहला गया, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब है वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। तो जो पहला मॉलिक्यूल हमने लिया वहां बेस का अटैक करवाया, तो वहां से न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल को जो आपने जनरेट किया है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को, और दूसरे मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, एक और मॉलिक्यूल अभी है तो देख लीजिए, और यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करवाइए सी डबल बॉन्ड ओ और एच। अब बताइए, अब तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोनाइलिक कार्बन को पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि ये कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये जाके यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करने के दौरान देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, हम इसको लिख रहे हैं, पहले यहाँ लिखा हुआ है CH3 और यहाँ सिंगल बॉन्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है O माइनस, और ये प्लस, ये H को आप कंडेंस फॉर्म में लिख दो बॉन्ड को साइलेंट करके, और ये CH2 यहाँ गया, तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, अरे बेटा CH2 और C डबल बॉन्ड OH, CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसको क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करवा देंगे, तो जैसे ही वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो देख लीजिए क्या बन जाएगा, CH3 ये OH और ये H, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, ये देखिए आपका अल्डोल ऊपर वाला प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, अल्डोल बन गया। तो क्या हुआ ना, पहले वाले से न्यूक्लियोफाइल का जनरेट हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अटैक किया और कंबाइन हुआ, और कंबाइन होकर के अल्डोल प्रोडक्ट बनाया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बनाए, तो इसका क्या करवा देंगे, हीट करवाएंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर कैसे निकलेगा, तो ये जो OH जुड़ा रहता है उस वाले कार्बन अल्फा कहते हैं, इसको बीटा, अगर यहाँ से H को हटाते हैं OH के साथ, ये जैसे OH है और यहाँ से H हटाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एलिमिनेशन का मतलब ऐसा, ये जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये दोनों सिग्मा टूटता है और यहाँ डबल बॉन्ड आता है, ऐसा बन जाता है। तो देखिए एक OH जाएगा, एक H जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये डबल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं, कंजुगेटेड पर नहीं है, लेकिन यहाँ से जब आप H हटाएंगे, ये H जाएगा, OH जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये और इसके बीच यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कंजुगेट में आ जाएगा, और कंजुगेट रेजोनेंस करता है तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ से हटाते हैं हम CH3CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कंडेंसेशन
कंडेंसेशन प्रोडक्ट हुआ। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? कंडेंसेशन प्रोडक्ट हुआ। ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, इधर उधर तो माइनर प्रोडक्ट हुआ, यही है अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं क्रॉस अल्डोल कैसे होता है, तीनों को हम बता देते जल्दी से। तो देखिए जरा, अब जो होगा इसमें, ये पहला रिएक्शन था, इसका जो दूसरा रिएक्शन होता है, एक होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये दिया गया, तो दो मोल लिया गया, ये दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल है, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल दो मोल है, और यहाँ लिख दिया गया डाइल्यूट NOH, तो आपको बना लेना है। फिर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर ऐसा हुआ C11O और CH3 और यहाँ डाइल्यूट NaOH, तो फिर इसको बना लीजिएगा। नहीं, इसी तरीके से बना लेना है आपको। अब आइए दूसरा, एक होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए बात को ध्यान से सुनिए, अल्डोल था तो अल्फा एच था, क्रॉस अल्डोल भी होगा तो अल्फा एच होगा, लेकिन क्रॉस अल्डोल है, क्रॉस मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच होने वाला है। जैसे यहां देखिए, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों सिमिलर है, और दो दो मॉलिक्यूल है, दोनों सिमिलर है लेकिन है दो, एक मॉलिक्यूल नहीं है। और जब दो मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होता है तो उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर ये अल्डोल कंडेंसेशन है, नहीं? और जब एक ही मॉलिक्यूल लेंगे तो कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? तो क्रॉस का मतलब होगा यहां टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर टेकन, टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर टेकन, यहाँ दो डिफरेंट कंपाउंड लिया जाएगा, लेकिन होगा वही। जरा देखिए, अब CH3 COOH, ये H है, और फिर H C11O और H ले लिए, और यहाँ डाइल्यूट NaOH ले लिए। अब जरा आप ही बताइए क्या किया जाए, कैसा प्रोडक्ट बनेगा ये? तो ध्यान से देखिए, हम बना भी रहे और मैकेनिज्म भी बता देंगे। CH2OH हो जाएगा और यहाँ CH2 C11O और H हो जाएगा, ये भी तो अल्डोल ही बना। यहाँ जो बनेगा वो किटोल बनेगा, क्या बनेगा? किटोल बनेगा, नहीं? क्या बनेगा? किटोल। ये अल्डोल है और वो किटोल बनेगा, क्योंकि किटोन से रिएक्शन हो रहा है। तो जरा इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, जहाँ अल्फा एच होगा वही ना अटैक करेगा, तो अल्फा एच यहाँ है, अल्फा एच यहाँ नहीं है, तो यहाँ होगा अल्डोल, इससे इसमें होगा क्रॉस अल्डोल, यहाँ अल्डोल होगा, यहाँ अल्डोल होगा, इससे क्रॉस अल्डोल हो जाएगा। तो कैसे होगा? CH2H और C11O और H, यहाँ से OH माइनस आया डाइल्यूट NaOH से, यह यहाँ अटैक किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव निगेटिव वाटर बन के यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ बन गया CH2 - C11O और H। अब बताइए, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये न्यूक्लियोफाइल दूसरा मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा ताकि क्रॉस अल्डोल हो सके। अब यहाँ पर जैसे ये अटैक करेगा, तो देखिए जब ये यहाँ आएगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज़्यादा है, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बताइए, इसको ये पहले से CH2 है, सिंगल बॉन्ड O माइनस है, ये CH2 यहाँ जाके जुड़ेगा, तो जरा सोचिए तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे, हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ठीक है? तो जरा देखिए, देखिए HCH, तो इसको कर देते हैं CH2 कर दिए, CH2 कर दिए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? O माइनस, CH2 O माइनस, अरे सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये प्लस पर क्या गया? CH2 C11OH, तो इस पर तो CH2 है, CH2 प्लस था, प्लस पर माइनस गया, तो फिर से CH2, ये C डबल बॉन्ड O और H।
अरे बेटा इसको नीचे ले आ जाकर लिखो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, या इसको सीधा कर दो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, बात तो बराबर है। अब इसको वाटर से रिएक्शन करवा दो, जब वाटर से रिएक्शन करवाओगे तो ओ एच हो जाएगा सी एच टू ओ एच, और ये हो गया सी एच टू और ये डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया आपका अल्डोल। अब अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो यहाँ से हीट कर देंगे आप तो सी एच टू ओ एच तो चला गया, ए ओ एच यहाँ से जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड ए ओ एच गया ओ एच के साथ तो ए ओ एच बचा, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, अल्डोल तो यही बढ़ गया। तो ये था क्रॉस अल्डोल। एक और बताता हूँ, कुछ देर और लेता हूँ, अल्डोल पढ़ा दो पूरा। अब जो देखिए तो क्रॉस अल्डोल का मतलब होगा दो डिफरेंट कंपाउंड में होना चाहिए, दो डिफरेंट कंपाउंड में होना चाहिए, नहीं कितने कंपाउंड होना चाहिए, दो डिफरेंट कंपाउंड में। तो एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसा है, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना होगा, बिना खोपड़ी का सवाल नहीं बनेगा, और ये ऐसा है, ऐसा है। अब आप देखिएगा क्या होने वाला है, डाइल्यूट एन ए ओ एच, तो ये बना लीजिएगा। अब आइए तीसरा रिएक्शन है इंट्रा, इंट्रा मॉलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंट्रा मॉलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो है ये अकर्स विद इन ए मॉलिक्यूल, ये एक ही मॉलिक्यूल के साथ होगा, मतलब वहां तो दोनों अलग अलग था, दोनों सेम भी था लेकिन था दो, एक से ज्यादा था। पहला वाले में दोनों सिमिलर था जो हम लोग अल्डोल नाम दिए, दूसरा वाले में दोनों डिफरेंट हुआ क्रॉस अल्डोल नाम दिए, तीसरा वाला एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक सिर्फ एक, और उसी में इंट्रा होता है। तो जरा देखा जाए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी, नहीं ध्यान से देखोगे तो नहीं आएगा इसमें, और सी डबल बॉन्ड ओ और एच, देखो जरा गौर से, बड़ा आसान रिएक्शन है। और यहां ले लिए डाइल्यूट एन ए एच, तो जरा सोचो अब क्या होने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो भी बनेगा वो इंट्रा प्रोडक्ट होगा। जरा सोचो, इसके बगल में तीन अल्फा एच है, इसके बगल में यहाँ दो अल्फा एच है, और यहाँ भी दो अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है। अब बेस कहाँ अटैक करता है, बेस अटैक करता है मोस्ट एसिडिक एच पर, मोस्ट एसिडिक एच का मतलब जिस एच के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की संभावना हो, जैसे सपोज कीजिए इसके बगल में ये खींचने वाला है, तो जब ये एच से खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो एच पर प्लस आएगा, लेकिन कितना एच है वैसे नहीं समझिए। एक और दूसरा तरीका, ये मान लीजिए कि ये, इसको मान लीजिए कि ए कह देते हैं, इसको बी कह देते, ठीक है, और इसको कह देते हैं कि ये जो आदमी है ये दोनों ए बी का पप्पा जी है, ये जो ये बीच वाला है ये दोनों ए बी का पप्पा जी है, ठीक है, तो पप्पा जी है तो दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए, इसका भी 50 होना चाहिए, इस कारण का भी 50 होना चाहिए, तो इस कारण का भी 50 कर दिए, इस कारण का भी 50 कर दिए। अब इस पप्पा का जो बेटा हुआ वो 3 हुआ, और इस पप्पा का जो बेटा, अरे पप्पा का बेटा और बेटा का बेटा, तो यहाँ 2 हुआ, और यहाँ जो हुआ पप्पा का जो बेटा हुआ वो 3 हुआ, तो 3 हुआ, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ जो मान लो 50 यहाँ हुआ तो 50 में 3 बेटा, यहाँ 50 में 2 बेटा, ये बेटा ज्यादा अमीर होगा, यानी इसका जो पोता होगा ये इधर वाला वो ज्यादा अमीर होगा, इससे तो अमीर अमीर पर अटैक नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर अटैक नहीं करता है, अमीर गरीब पर जल्दी अटैक करता है। तो यहाँ का जो एच है वो एसिडिक एच है, पुअर एच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मोस्ट, इसीलिए इसका अटैक जो है यहाँ होगा, यहाँ और यहाँ नहीं होगा। तो जरा देखो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, अब क्या होगा,
जब हम इसको ऐसे लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब बताओ जब हम इस बेस को लेंगे तो बेस तो मोस्ट एसिडिक ज़्यादा वाले पर अटैक करेगा, ज़्यादा वाला जहाँ एच होगा ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये टूट जाएगा। टूटने के बाद ध्यान से सुनो क्या होने वाला है, टूटने के बाद जरा सा इधर देखना अच्छे से, ध्यान से देखना दिखाई देगी सी एच टू माइनस सी डबल वन ओ सी एच टू सी डबल वन ओ और एच, ऐसा बन जाएगा बेटा। ये टूटने के बाद निकलियो फाइल बन गया। अब बताओ यही निकलियो फाइल अपने ही मॉलिक्यूल के कार्बन वाली कार्बन पर अटैक कर देता है, क्यों? क्योंकि ये इधर शिफ्टिंग होगा, ये माइनस है, क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस और ये प्लस पर जाके अटैक कर देगा। तो सुनो इसको ऊपर खींचो, है इसको ऊपर खींचो ऊपर और इस दोनों को सटाओ तो साइक्लिक नहीं बन जाएगा ऐसे, अरे यार ऐसे नहीं साइक्लिक बन जाएगा। तो जरा देखो कैसे हो जाएगा, जरा देखो यहाँ लिख रहे हैं दिखाई दे रहा है, तो देखे कैसे बन जाएगा। देखो हम कह रहे इसको ऊपर खींचो या इसी को पहले हम ऊपर लिख देंगे, इधर सी डबल बॉन्ड ओ लिख दिया और इसके साथ क्या लिखा हुआ एच, अरे गुड़वा एच ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो क्या फर्क पड़ता है, लिख दिया। अब बताओ ये सी एच टू है, ठीक है सी एच टू है, फिर ये देखो क्या लिखा हुआ है सी एच टू है, अरे जैसे ऐसे है और फिर देखो क्या लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर इससे क्या लगा हुआ है, अरे इससे प्लस है और इससे माइनस है, तो प्लस माइनस ऊपर नहीं बढ़ेगा, अरे ये प्लस ये वाला प्लस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस था ना, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड ओ माइनस और ये एच सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच टू माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस बॉन्ड बना लिया। इसको अब कैसा दिखाई देगा, ये जरा देखो यहां लिख रहे कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, एक दो तीन चार पांच, एक गड़बड़ लिखा गया क्या, एक दो तीन चार पांच छ, छ वो है एक दो तीन चार पांच, यहां एक वो सी एस टू और जोड़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं है रिंग छोटा हो जाता इसीलिए अब एक और यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं सी एच टू और यहाँ भी सी एच टू, ठीक है। अब देखिए ये सब सी एच टू लिखा हुआ है, घबराइए मत अच्छे से समझिए, कार्बन हाइड्रोजन पूरा जगह लिखा हुआ है। अब जब ये एडजस्ट करेगा तो एक और सी एच टू ऐड होगा, ये हो गया सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और फिर सी एच टू है और इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा सी एच टू माइनस और ये प्लस, तो एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन हुआ, तो छः कार्बन का आप रिंग बना दीजिए और यहाँ पर अपने मन से लिख देते हैं ओ माइनस, ऐसा कीजिए एच प्लस से रिएक्शन करवा के, एच प्लस कहाँ से लाते वाटर से लाते ओ एच हो गया और एक सी एच टू को छोड़ कर गया सी डबल वन ओ हो गया, तो ये बन गया अल्डोल। अगर मान लीजिए किसी को मन में चल रहा है कि नहीं सर फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए, मन में कर रहा हो फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए, तो क्या कीजिएगा, तो ये ओ एच जो जुड़ा हुआ ये अल्फा और ये वाला बीटा, ये भी बीटा, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, अगर यहाँ से एच ओ एच हटाते तो यहाँ डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ हटाते तो ये रेजोनेंस में नहीं आएगा, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपका ये और ये हट जाएगा, तो यहाँ ऐसा ये रेजोनेंस हो रहा है, ये मेजर हो गया, तो पूरा अल्डोल कंडेंसेशन का पूरा कंसेप्ट आज खत्म हो गया। अच्छे से इसको लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अलसिंह सर को आगे बढ़ाइए, नहीं पढ़ाएं अपने मन से, अब देखिए आपको समझ में कैसा आता है, जबरदस्त तरीके से पढ़िए और बार बार पॉज करके पढ़िए वीडियो को ताकि लिखने में सुविधा हो। चलिए ओके बाय।